पहले हम देखते हैं कि डेरिवेटिव क्या है, ठीक है? पहले हम सिंपल इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। सिंपल की डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, व्हाट इज डेरिवेटिव एट अ पॉइंट? लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ एक्स हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है? कोई भी एफ एक्स क्या है, हमारे पास कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, कोई भी इंटरवल में डिफाइन है, ठीक है? ऑन एन ए बी एंड लेट सी बिलोंग्स टू ए बी। अगर हमने उस इंटरवल में से कोई पॉइंट ले लिया सी, देन एफ एक्स, हम कब कहेंगे कि फंक्शन जो है उस पर डिफरेंशियबल है उस पॉइंट पे जो हमने इस इंटरवल में ली है, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनेटली। अगर ये लिमिट जो हमारे पास है कि एक्स जो भी हमने यहाँ पे किसी पॉइंट पे चेक करना है, तो कि कोई भी इंटरवल में से कोई भी पॉइंट लिया है, ए सी बी कुछ भी ले सकते हो, उस पे अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब देखो यहाँ पे लिमिट लिमिट अभी हमने पीछे की है, तो अगर आपको लिमिट सॉल्व करनी आती होगी तभी आप इसको सॉल्व कर सकोगे, ठीक है? सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनेटली। अगर ये लिमिट फाइनेटली एग्जिस्ट करेगी, दैट मीन्स डिफाइंड होगी इस पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशियबल है। ओके, अब इसको लिखते कैसे है? देखो इस लिमिट को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। जो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनेटली एग्जिस्ट करेगी, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। और इसको कैसे लिख सकते हैं, किस पॉइंट पे ये डेरिवेटिव है, एफ डैश सी पे, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है? इसका डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है? एक तो ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स किसके फंक्शन का है, किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू सी पे, और दिस लिमिट इज कॉल्ड, और कैसे लिख सकते हैं इसको, एफ डैश सी, ठीक है? तो एफ डैश सी हमें क्या देता है कि ये जो लिमिट है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट लिमिट है जो एग्जिस्ट करेगी, ये वाली एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है? अभी हमने कुछ नहीं किया, सिंपल किया कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट क्या होता है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनेटली, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है। और ये क्या है, एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे जो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं किस इंटरवल में, ए बी इंटरवल में, है ना? तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो एट एवरी पॉइंट इन इट्स जो मेन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। जो फंक्शन है हमने सी पे लिया ना, हम क्या एज्यूम करके चलते हैं इसमें कि जो फंक्शन है वो क्या होगा, इस इंटरवल में जो भी हमारे पास इंटरवल है, जो डोमेन है फंक्शन की, हमने क्या लिया था, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए। तो इसके हर एक, इस इंटरवल में हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है? दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट For all c, x belongs to domain of f. For all, ठीक है? हर पॉइंट पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि एफ डैश सी है, अगर हम इसकी नेबरहुड में कोई पॉइंट ले ले, हमने सी पे ली है, तो इसके नेबरहुड में हमने सी प्लस, दैट मीन्स सी के राइट साइड, या हम कह सकते हैं कि अगर सी बिलोंग करे ए बी को, तो हमने एक और पॉइंट ले लिया जो सी से बड़ा है, ठीक है? ए बी इंटरवल में है, तो हम कह सकते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि ये हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो ये चीज हम कह सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी, कि अगर हम सी से बड़ा, सी की नेबरहुड में भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, या फिर चाहे राइट साइड पे ले लो सी से बड़ा ले लो, चाहे लेफ्ट साइड पे ले लो सी से छोटा ले लो, तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और इक्वल होगी, ठीक है? अब देखो एफ डैश सी, अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक्सटेंडिंग टू सी पॉजिटिव, मतलब अगर इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है, तो हम ये चीज कह सकते हैं किसी पॉइंट पे, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा, एग्जिस्ट करेगी फाइनेटली, और ये इक्वल होंगे। और एफ डेट सी इक्वल्स टू लिमिट, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव दैट मीन्स सी प्लस एच टाइप, कि सी में हमने कोई बहुत ही स्मॉल नंबर एड कर दिया, तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो f ऑफ c प्लस h। देखो अगर एक्सटेंड करें, यहाँ पे क्या था, एक्सटेंडिंग टू c प्लस,
सी प्लस दैट मीन्स सी प्लस एस टेंडिंग टू सी, तो यहाँ पे क्या हो गया एच टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एक्स को सी प्लस एच पुट की, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी प्लस एच माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा एच। और क्या कह सकते हैं हम, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सी माइनस एच पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस एच। मतलब जो डेरिवेटिव है वैसे तो आप ये है हमारे पास, तो अगर हमें पता है हमने किसी पॉइंट पे निकालना है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डेरिवेटिव क्या है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनेटली, और हम कह रहे हैं हर पॉइंट पे करेगी, ठीक है, तो सी प्लस एच पे भी करेगी सी माइनस एच पे भी करेगी, तो दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएबल हो गया एट एवरी पॉइंट सी, ठीक है। ये अब हमने अगर डेरिवेटिव करना है तो हम ये इसमें से ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, सी पॉजिटिव वाला भी सी नेगेटिव वाला, ठीक है। तो देखो एक जो एग्जांपल करते हैं इसके साथ ही, लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन फाइंड एफ डैश टू। अब हमारे पास सी की जगह क्या है टू है, ठीक है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन, रियल वैल्यूड फंक्शन आपको पता है कि अगर हम कुछ भी डोमेन में पुट करेंगे आंसर हमारा रियल ही आएगा, दैट इज द रियल वैल्यू फंक्शन। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हमने फाइंड करना है एफ डैश टू, तो क्या होगा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या था लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये हम कह सकते हैं एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ओ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। चाहे आप पॉजिटिव वाला यूज कर सकते हैं चाहे नेगेटिव वाला यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि हर जगह ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दैट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो लिमिट एस्टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाई एच, अब नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, सो लिमिट एस्टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टू प्लस एच क्या होगा, अगर एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे टू प्लस एच, तो ये हो गया लिमिट एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू प्लस एच की होल स्क्वायर प्लस वन, एक्स की जगह टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू एक्स की जगह टू, ये हो गया टू की स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस वन माइनस फोर माइनस वन, ठीक है, ये हो गया लिमिट एसेंडिंग टू जीरो एच इंटू फोर प्लस एच या एच प्लस फोर डिवाइडेड बाई एच, तो एच को जीरो पुट किया जीरो प्लस फोर इक्वल्स टू फोर, तो ये हमारे पास क्या आ गया फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट टू इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 99x एट x इक्वल टू 100। अब हमारे पास फंक्शन है 99x एट x इक्वल टू 100, तो देखो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 99x एफ डैश 100, तो लिमिट एसेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 100 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 100 डिवाइडेड बाय एच। अब ये क्या एफ ऑफ एक्स तो 99x है, तो 100 प्लस एच क्या होगा, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 100 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 100 है, तो दैट मीन्स एक्स की जगह क्या हो जाएगा 100, मगर 9900 प्लस 99h माइनस 9900, तो दिस इज क्या हो गया हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 99, एफ डैश 100 इज 99, ठीक है। ये बस अपने फॉर्मूला याद रखना है मेन। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स एफ डैश जीरो फाइंड करना है, लिमिट एस्टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच। अब एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स, तो एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा कॉस एच, एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा कॉस जीरो, तो ये बन गया कॉस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, कॉस जीरो इज वन। तो देखो ये हमारे पास हो गया लिमिट एस्टेंडिंग टू जीरो कॉस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया माइनस ऑफ वन माइनस कॉस एच डिवाइडेड बाई एच, ये हो गया टू साइन स्क्वेयर एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच, माइनस टू कॉमन निकाल लिया दैट मीन्स बाहर निकाल लिया लिमिट से बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है, लिमिट एस्टेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वेयर एच बाई टू। अब देखो यहाँ पे है हमारे पास साइन स्क्वेयर एच बाई टू, तो हमने ये फॉर्मूला की है कि लिमिट एस्टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई एच इक्वल टू वन, ठीक है, ये लिमिट है हमारे पास।
देखो, अगर मैंने बोला कि अगर आपको लिमिट आती होगी तभी हम डेरिवेटिव सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट्स में जो फॉर्मूलेज यूज होंगे वही हमने यहाँ पे यूज कर, तो ये हो गया टू लिमिट एच एनी टू जीरो साइन स्क्वेयर एच बाई टू है, तो यहाँ पे स्क्वेयर है दैट मीन्स एच स्क्वेयर बाई फोर हमें चाहिए, एच स्क्वेयर बाई फोर, एच स्क्वेयर बाई फोर हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, एक एच हमारे पास पड़ा था, ठीक है, तो एक एच के साथ हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहाँ पे एच हो गया, ये एच स्क्वेयर हो गया, फिर हमें फोर चाहिए, फोर के साथ मल्टीप्लाई किया, फोर के साथ डिवाइड किया, ये हो गया माइनस टू बाई फोर, ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको बाहर निकाल लिया। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू की होल स्क्वेयर, ये हो गया माइनस वन बाई टू, एच को जीरो पुट किया और ये वन हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, जीरो, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सिंपल की डेरिवेटिव एट अ पॉइंट थोड़ी सी जान पहचान कर रहे हैं डेरिवेटिव के साथ, है ना, कि वो क्या है, कैसे फाइंड करना है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनेटली दैट मीन्स हम कहेंगे इस पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग करेंगे, ठीक है, क्या मतलब है। फिर हमने कोई कर्व ले ली एफ एक्स, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, लेट कर लिया, तो देखो लेट हमने कोई भी फंक्शन ले लिया, ठीक है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कर्व ले ली, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो पॉइंट्स लिए इस पे, एक पी एंड एक क्यू, ठीक है, तो हमने लेट कर लिए पी पॉइंट क्या होगा, देखो अगर कर्व एफ ऑफ एक्स है और ये डिस्टेंस हमने ले लिया सी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाई की साइड है ना, तो वाई को हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, तो अगर एक्स सी है तो वाई क्या हो गया, एफ ऑफ सी, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया, सी कॉमा एफ ऑफ सी। टेक अनदर पॉइंट, हमने कोई क्यू पॉइंट लिया, तो ये डिस्टेंस हमने एच ले लिया, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, सी प्लस एच, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्या है, सी प्लस एच, तो वाई क्या होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच, ठीक है, इफ एक्स इक्वल्स टू सी प्लस एच देन वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ सी प्लस एच। नाउ ज्वाइन द कोड पी क्यू, अब देखो ये कोड है एक हमारे पास, पी क्यू इज अ कोड, मतलब और क्या कह सकते हैं हम, सीकेंट लाइन, जब क्या होता है जो पॉइंट है, जो लाइन है कर्व को दो पॉइंट्स से, जैसे हम सर्कल में भी करते थे, इट इज अ सीकेंट लाइन, इट इज अ टेंजेंट लाइन, है ना, दो पॉइंट से कट करते हैं तो उसको हम सीकेंट लाइन बोलते हैं, तो इट इज अ सीकेंट लाइन एक तरह से, है ना। तो देखो अगर हम इसकी स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ द कोड पी क्यू क्या होगी, पी क्यू क्या एक लाइन सेगमेंट है, और जो स्लोप है वो क्या होती है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये क्या बनेगी, देखो पी क्यू की स्लोप ये बनेगी एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी प्लस एच माइनस सी, दैट इज जो स्लोप आ गई हमारे पास एफ ओ सी प्लस एच माइनस एफ ओ सी डिवाइडेड बाई एच, ये हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ द कोड पी क्यू, ठीक है। अब देखो अगर अगर हम इस क्यू, अगर ये क्यू है, जो ये क्या है, जो क्यू पॉइंट है, अगर ये टेंड कर जाए पी को, देखो टेकिंग लिमिट एज क्यू टेंड, अगर ये क्यू पॉइंट पी को टेंड कर जाए, मतलब ऐसे होली होली ये पी को टेंड कर जाए, तो ये लाइन क्या बन जाएगी, देखो अगर क्यू पॉइंट पी को टेंड कर जाए, मतलब टेकिंग लिमिट एज क्यू टेंडिंग्स टू पी, जब क्यू पॉइंट पी को टेंड कर जाएगा यहाँ पे होली होली, पहले मतलब ये लाइन यहाँ पे आएगी, ठीक है, फिर ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपके पास, हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, ये कॉर्ड है, ठीक है, देखो
ये हमारे पास है। अगर ये क्यू पॉइंट पी को टेंड, मतलब ये लाइन ऐसे देखो मूव करेगी, पहले ऐसी हो जाएगी फिर ऐसी हो जाएगी, तो एक टाइम पे आके जब ये क्यू पॉइंट पी को टेंड करेगा ये टेंजेंट बन जाएगी। जो सीकेंट है वो क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी एट पी पॉइंट, ठीक है? इट बिकम्स टेंजेंट एट पी। और अगर क्यू पी को टेंड करेगा तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है सी प्लस एच, वो किसको टेंड करेगा? सी को। तो दैट मीन्स एच टेंडिंग टू जीरो। अगर क्यू पी को टेंड कर रहा है तो एच टेंड करेगा जीरो को, ठीक है? और जो हमारे पास स्लोप है वो क्या हो जाएगी? देखो लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी, ये स्लोप ली थी हमने, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू क्या आ जाएगी? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। अब देखो ये डेरिवेटिव नहीं हो गया जो हमने की, ये कई की थी कि जो डेरिवेटिव की जो लिमिट है, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन इस पॉइंट पे डेरिवेटिव डिफरेंशियबल है। तो ये क्या है? ये डिफरेंशियबल फंक्शन था। तो एक तरह से ये क्या है? डेरिवेटिव क्या है? एक स्लोप है, ठीक है, टेंजेंट की। अब ये स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है? अब फिर हम कह रहे हैं कि अगर हमने ये चीज देखी है, अगर क्यू पी को टेंड कर रहा है तो जो सीकेंट लाइन है, जो कॉर्ड पी क्यू है, वो किसको टेंड कर रही है? टू द टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो पी क्यू क्या बन जाती है? टेंजेंट बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉर्ड टेंजेंट बन गई जब पी क्यू क्यू ने पी को टेंड किया, तो दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। तो इसका मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव है वो क्या है? एक तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट पॉइंट पी या एट एक्स इक्वल टू सी। पॉइंट पी पे एक्स क्या है? सी, ठीक है? इसकी डेरिवेशन नहीं आती, बस एक मेन मीनिंग क्या है इसको समझने का कि जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसमें डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव इज जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, सी पे फाइंड कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव क्या है? उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है। जो भी उस पॉइंट पे टेंजेंट होगी ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी जब ये इसको टेंड करेगा, तो जो इसकी स्लोप होगी वो क्या होगी? डेरिवेटिव एट पॉइंट सी, ठीक है? क्या किया हमने? एक कॉर्ड है, दो पॉइंट्स लिए, ये कॉर्ड है तो स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाली। कहते हैं अगर हम क्यू को धीरे धीरे पी के पी से टेंड कर दे तो ये जो सीकेंड लाइन क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है? और एच टेंडिंग टू हो जाएगा जीरो, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड पी के उसके इक्वल आ गई एज इट बिकम्स टेंजेंट। तो अगर ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है और कॉर्ड टेंजेंट बन गई तो हम इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कह सकते हैं। तो डेरिवेटिव क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है? तुम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू एफ डैश सी इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट है कि ये फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट पी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये को यहाँ पे तो हमने ये चीज कर ली कि जो डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बट ये टेंजेंट अब हमने देखना है कि यहाँ पे बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं या एक ही टेंजेंट होगी। मतलब बहुत सारी बन सकती है या डिफरेंशियबल फंक्शन में एक ही होगी। तो यहाँ पे यही क्या है हमारे पास, अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट पी, किसी पॉइंट पे फंक्शन को हम डिफरेंशियबल कहेंगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी। नहीं, उस पॉइंट पे अगर एक ही टेंजेंट बन रही है तभी हम कहेंगे कि फंक्शन उस पर डिफरेंशियबल है, अगर एक से ज्यादा टेंजेंट है तो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं हो, ठीक है? तो फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इफ एंड ओनली इफ एट पी देयर एग्जिस्ट यूनिक टेंजेंट। जो टेंजेंट है वो यूनिक होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, ठीक है? तो वही चीज हम करेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ हम ये चीज प्रूव करेंगे कि एक ही टेंजेंट बनेगी। तो वही चीज हमने की, एक पॉइंट लिया पी, एक पॉइंट लिया क्यू, चाहे सी प्लस एच ले लो, यहाँ पे एक्स ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है? तो ये पॉइंट वैसे ही एक्स एफ ऑफ एक्स हो गया और ये पॉइंट एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया, ठीक है? तो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट लिया क्यू, तो फिर हम वही करेंगे
कि एज क्यू, अब जी क्यू है जो क्या है, एक तरह से सी प्लस एच है ना, एक्स प्लस एच है। अगर हम क्यू से लेफ्ट पे इसको पी पे टेंड करते हैं, एज क्यू टेंडिंग्स टू पी, टेंडिंग्स टू पी दैट मीन्स पूरा पी पे नहीं होया कि हाँ कोइंसाइड हो गया, बिल्कुल इसके नेबरहुड में आ गया, बिल्कुल जैसे ये पी है ये है ना, तो क्यू बिल्कुल यहाँ पे होगा। तो देखो टेंजेंट तो यहाँ से भी पास करेगी ना, सेम ही हो गया, ठीक है, बिल्कुल क्लोजर, क्लोजर टू पी, वेरी 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 क्लोजर टू पी। तो एज क्यू अप्रोचेस टू पी फ्रॉम द राइट, देन क्या होगा, ये पी क्यू क्या बन जाएगी, ऐसे ऐसे आती हुई, देखो अगर क्यू यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये पी क्यू जो लाइन है वो ऐसी हो जाएगी, देखो ठीक है, दिस बिकम्स पी क्यू। तो पी क्यू क्या बन जाएगी, टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी, ओके, मतलब जब क्यू टेंडिंग्स टू पी प्लस दैट मीन्स पी के इस साइड होगा, ठीक है, पी प्लस दैट मीन्स पी के इस साइड होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एज क्यू अप्रोचेस टू पी फ्रॉम द राइट, देन पी क्यू बिकम्स अ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी, क्यू टेंडिंग्स टू पी प्लस एक्स प्लस एस टेंडिंग्स टू एक्स, ये वही चीज होगी कि क्यू पॉइंट पे कोऑर्डिनेट था एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और पी पॉइंट पे था एक्स एफ ऑफ एक्स। तो अगर क्यू पी को टेंड कर रहा है तो एक्स प्लस एच किसको टेंड करेगा, एक्स को, तो दैट मीन्स एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, तो टेंजेंट बन गई। अब हमने एक और पॉइंट ले लिया आर, हम ये चीज प्रूव करें ना कि ये यूनिक है, यूनिक टेंजेंट है, तो हमने दो पॉइंट्स ले लिए, दोनों पे देखेंगे कि यही टेंजेंट आ जाएगी, तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि हम कोई भी पॉइंट ले ले इस कर्व पे, टेंजेंट एक ही बनेगी पी के ऊपर। तो देखो अब हमने इसकी लेफ्ट साइड पे ले ली एक पॉइंट आर, ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है एक्स माइनस एच एफ ऑफ एक्स माइनस एच, जैसे ये क्या था एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस एच एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास एच, ये पूरा एक्स है, ठीक है, इतना एच है, तो ये क्या हो गया एक्स माइनस एच। तो अगर पॉइंट एक्स माइनस एच है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच होगा, ठीक है। अब देखो फिर हम अब आर के लेफ्ट से आ रहे हैं पी पे, ये भी एक ऑड है ना, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं आर के लेफ्ट से पी पे आ रहे हैं, तो क्या होगा फिर, ये आर पहले एक बार यहाँ पे, अगर आर पी को टेंड कर रहा है तो ये भी हमारे पास यही टेंजेंट बन जाएगी, अगर आर हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इफ आर अप्रोचेस टू पी फ्रॉम द लेफ्ट देन पी आर बिकम्स ऑल्सो टेंजेंट टू द कर्व अ पॉइंट पी, ठीक है, तो आर टेंडिंग्स टू पी नेगेटिव, यहाँ पे भी एच टेंड करेगा जीरो को, मतलब इसमें हमने ये चीज देखी है, हम कोई भी पॉइंट ले लें तो जो अगर हम इस पी पॉइंट को, उन पॉइंट्स को इस पी पॉइंट पे अप्रोच करेंगे तो एक ही टेंजेंट बनेगी, हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये पॉइंट लिया तो यहाँ पे टेंजेंट अलग बन गया, ये टेंजेंट अलग बन गया, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो आगे है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का, इट इज ऑल्सो नोन एज अ डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको और क्या बोलते हैं, इस लिमिट के साथ सॉल्व करने को बोलते हैं डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसके साथ के हम सम्स करेंगे, देखो जो हमने उस दिन हमने फॉर्मूलेस करने हैं डेरिवेटिव के आगे एक्सरसाइजेस में, जो आपके क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने मेन फॉर्मूलेस करने हैं, ठीक है, तो वो जो डेरिवेशंस है ना वो इस फॉर्मूले से हुई है, डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके, यही डेरिवेटिव है, ठीक है, मेन तो आपकी डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनेटली। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन एक्स रेस्ट पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू आर, देन इसका डेरिवेटिव ये होगा, ये हम प्रूव करते हैं, ठीक है, तो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस्ट टू पावर एन, एफ एक्स क्या है हमारे पास एक्स रेस्ट टू पावर एन है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ये चीज हम लगा रहे हैं, एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, देखो अब हमने किसी पॉइंट पे नहीं करना, एक्स पे ही कर रहे हैं, एफ डैश एक्स ही फाइंड करना है हमने, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स रेस टू पावर एन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच रेस टू पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स रेस टू पावर एन डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ये चीज होगी। अब देखो ये हमने लिमिट में फॉर्मूला किया है, क्या फॉर्मूला किया हुआ है लिमिट में हमने,
कि x टेंडिंग टू a x रेस्ट पावर n माइनस a रेस्ट पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a a n a रेस्ट पावर n माइनस, ठीक है, ये चीज की है, ये चीज की हमने। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x माइनस a चाहिए, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x प्लस h माइनस x चाहिए। यहाँ पे x की जगह x प्लस h है, a की जगह x है, तो x माइनस a दैट मीन्स हमें नीचे चाहिए डिनोमिनेटर में x प्लस h माइनस x, ठीक है। तो हमारे पास h था, हमने क्या किया, x ऐड कर दी, x से सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है, x को ऐड कर दी, x को सब्ट्रैक्ट, तो यही फॉर्म बन गई। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a n, n क्या है, n ही है, a की जगह हमारे पास x है, तो n x रेस्ट पावर n माइनस वन, तो ये किसके इक्वल आ गया, x n x रेस्ट पावर n माइनस वन। अब ये जो फॉर्मूलेज है ना, आगे हमने सम्स में सीधा सीधा डायरेक्टली यूज करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक दो सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ओके, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिराइव हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन है ई रेस्ट पावर एक्स, देन हमने प्रूफ करना है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर एक्स। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एस्टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच लिमिट एस्टेंडिंग टू जीरो। तो एफ ऑफ एक्स अगर ई रेस्ट पावर एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस एच, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के ई रेस्ट पावर एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ से ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e raised to power x into e raised to power h, और साथ में क्या है, माइनस e raised to power x, तो e raised to power x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे हो गया e raised to power h minus 1 divided by h, limit ascending to 0 e raised to power x, limit ascending to 0 e raised to power h minus 1 by h। अब यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो ये लिमिट से बाहर आ सकते हैं, और ये फॉर्मूला भी हमने की है पिछली एक्सरसाइज में लिमिट्स में कि ये किसके इक्वल होता है, 1 के, तो e raised to power x multiply 1 equals to e raised to power x, ठीक है। तो यही जो रिजल्ट्स है ना, ये सारे रिजल्ट्स ऐसे ही इन फर्स्ट प्रिंसिपल से ही ड्राइव होंगे, तो हमने इसके सारे डेरिवेशंस नहीं करने, हमने इसके फॉर्मूलेस याद करने हैं, और ये इसको आगे हमने लगाना है सॉल्व कर, जब हम सॉल्व करेंगे सिंपल आपने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जीरो, एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, मतलब जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव वन, एक्स रेस्ट पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, ये अभी हमने प्रूफ भी किया है और ये भी प्रूफ किए, दोनों हमने प्रूफ किए हैं। ए रेस्ट पावर एक्स का होता है ए रेस्ट पावर एक्स लॉग ए, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, साइन एक्स का कॉज एक्स, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेकेंड स्क्वेयर, सेकेंड का सेकेंड एक्स टैन एक्स, कॉट एक्स का माइनस को सेकेंड स्क्वायर एक्स, एन को सेकेंड एक्स का माइनस कॉट एक्स को सेकेंड, ठीक है। तो पहले हम करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास समझ आ सकते हैं कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपको पता चल गया, वो लिमिट ही है जो हमने अभी की है। तो देखो हमारे पास है फंक्शन ये है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, x प्लस एच की होल क्यूब माइनस 27, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब प्लस 27, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या रह गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर एच थ्री एक्स एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, एच कॉमन निकाला, एच स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एच कैंसिल। अब एच जो नीचे था देखो, एच यही इसको क्या बना रहा था, नॉट डिफाइंड, तो एच खत्म हो गया, अब एच की वैल्यू पुट कर दो, ये भी जीरो होगी टर्म, ये भी जीरो होगी, क्या रह जाएगी,
3x स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब इसका जो डेरिवेटिव आ गया वो क्या आ गया, 3x स्क्वायर। ये भाई फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको डेरिवेटिव सॉल्व करना आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिमिट्स आनी चाहिए बस, कि लिमिट्स को सॉल्व कैसे करना है। सेकेंड है हमारे पास फंक्शन है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये हो गया एक्स प्लस एच माइनस वन एक्स प्लस एच माइनस टू माइनस एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन प्लस एच, इसको एक्स माइनस टू प्लस एच, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एक नंबर क्योंकि तो हमें ये चीज चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई हम ऐसे कर रहे हैं, पहले एक्स माइनस वन को इसके साथ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, फिर इसको एच के साथ एच इंटू एक्स माइनस वन, अब एच को एक्स माइनस टू के साथ और एच को एच के साथ एच स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज पड़ी है, ठीक है। अब देखो सेम होगी कैंसिल, और यहाँ से जो टर्म बच गई हमारे पास वहां से एच कॉमन आ रहा है, तो ये रह गया एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस एच कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आप एच को जीरो पुट कर दो, जो भी वैल्यू है वहां उसमें, तो एक्स को जीरो एच को जीरो पुट करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू दैट इज 2x माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका डेरिवेटिव। चाहे आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते वो ज्यादा इजी हो जाता है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सेम टू सेम पिछले जैसा सम बन जाता, ठीक है। तो बस आपने कुछ नहीं करना, सॉल्व करनी है लिमिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ये हो गया वन बाई एक्स प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। इसमें एलसीएम ले लो क्योंकि इसमें हम कुछ और नहीं सॉल्व कर सकते, तो एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच की होल स्क्वायर इंटू एच, इसको ओपन कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये कैंसिल, तो यहाँ से एच कॉमन आ रहा है, एच कॉमन निकाल लिया, ये हो गया एच प्लस टू एक्स, और नीचे रह गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच की होल स्क्वायर इंटू एच, एच एच कैंसिल। अब तो नीचे कुछ भी जीरो नहीं बन रहा अगर हम एच को जीरो पुट कर दें, अब एच को जीरो पुट कर दो तो हमारे पास हो गया माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो गया माइनस टू बाई एक्स की होल क्यूब, ये डेरिवेटिव हो गया वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनको हम बाद में इन फॉर्मूले के साथ करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली। अब ये है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो आगे हम बाद में करते हैं।